आप लोगों ने ये पुतला दहन किया है, पुलिस प्रशासन का क्यों किया है, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, आज हमने जो पुतला दहन किया है, ये कल जो पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के ऊपर एक निंदनीय घटना घटी है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, जो आमरण अनशन में 9 दिन से महिला थी उसको खींचतान करके जबरदस्ती यहाँ से उठा के हॉस्पिटल में रखा गया है, और हॉस्पिटल में ले जाने के बावजूद उसका कोई उपचार नहीं हो रहा है, कोई उसको एक कमरे में पटक दिया है ले जाके, ना कोई उसको देखने वाला है, ना कोई उसकी सुध लेने वाला है, पुलिस प्रशासन वहां से बिल्कुल गायब है। और इसी के विरोध में आज हमने यहां पे शासन प्रशासन का और डॉल्फिन कंपनी प्रबंधन का ये पुतला फूका है। कल की जो पुलिस का घटनाक्रम रहा यहाँ से ले जाने का, श्रमिकों का आरोप है कि कपड़े फटे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उसमें कपड़े फटे हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, जो वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, जो जोर जबरदस्ती हुई है। इससे पहले भी तो आप एक महिला को यहाँ से लेके गए थे, उसमें तो आपने जोर जबरदस्ती नहीं करी थी, फिर कल ऐसी क्या जोर जबरदस्ती आपको जरूरत पड़ी कि आपने जोर जबरदस्ती करने का आपको वो हुआ, और आपने इतना भी नहीं सोचा कि वो महिलाएं 9 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है, जिन महिलाओं के आपने कपड़े फाड़े इन आदमियों के सामने, क्या उसकी इज्जत के आपने इतनी तार तार करी है, क्या उसकी इज्जत नहीं थी? आप एक तरफ कहते हैं देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह से महिलाओं के यहाँ पे कपड़े फाड़े जाते हैं, तो कहाँ वो कानून, कौन इनको इजाजत देता है? अभी कितने लोग अनशन पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन? अभी यहाँ पर छह लोग पहले से हैं, और दो जो हमारी महिलाएं हॉस्पिटल में, वो भी अभी आमरण अनशन पे ही हैं, उनको ग्लूकोज शासन यहाँ के हॉस्पिटल के प्रबंधन ने जबरदस्ती लगवाया है, परंतु उन्होंने अभी तक अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ा है, वो अभी भी आमरण अनशन पे ही है। कोई बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमने हर तरीके से हमने समाधान निकालने की कोशिश करी, हम रोज रोज वार्ताएं भी कर रहे हैं, DLC, ALC, ADM और इनके लेबर कमिश्नर तक ये बात पहुंची है, वहां से भी हमने वार्तालाप के लिए पहल करी थी, परंतु कंपनी प्रबंधन कहीं भी वार्ता में नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे प्रशासन को चुप करा के बैठा है, प्रशासन को अपनी गोद में बैठा के रखा है, तभी तो आज वो अपने इतना गैर जिम्मेदाराना है कि वो किसी भी वार्ता में नहीं आना चाह रहा है। इनको 10 दिन से यहाँ पे मरने पे मजबूर छोड़ दिया गया है। पुतला दहन किया गया है आप लोगों द्वारा, पुलिस प्रशासन का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का क्या वजह है? सर, वजह कुछ नहीं है, वजह यह है कि आज जो धरने पे बैठे हुए मजदूर हैं, इनके साथ जो गलत रवैया कल किया गया, इनकी महिलाओं के कपड़े तक भी फाड़ दिए गए। मुझे लग रहा है रुद्रपुर में ये पहला ऐसा कांड है जो महिलाओं के साथ इतना गलत हुआ है। मोदी जी नारा ये देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन औरतों के साथ इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी आम आदमी पार्टी और पूरा, मुझे लग रहा है पूरे उत्तराखंड के जितने नेता हैं और आम आदमी है, ये इसका विरोध करना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, आना चाहिए।